हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कब आज़ाद होंगे। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी से उनको छुटकारा कब तक मिल पाएगा वो हम देखेंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं कार्ड क्या निकल कर आते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ करके कब तक आएंगे, क्या चल रहा है, कुछ जो भी कार्ड निकलेंगे मैं आपको बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। शुगर कोटिंग मेरे से होती नहीं है। अगर आप ये सोचे कि मीठी मीठी बातें बना करके और कुछ ऐसे ही बता दे तो वो नहीं होगी। जो कार्ड बताएंगे वही मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज थर्ड पार्टी में आपके पर्सन की सिचुएशन में देखूँ तो बहुत ज़्यादा विद्रोही स्वभाव हो रहा है। अभी थर्ड पार्टी का भी आपके पर्सन का भी दोनों का ही स्वभाव मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दोनों ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। वो उसको खाने को दौड़ता है, वो उसको खाने को दौड़ता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थॉट्स टकरा रहे हैं उनके, बहुत ज़्यादा जो है थॉट्स टकरा रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि पास्ट को लेकर भी उन दोनों में, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में टकराव होते हैं। पास्ट को लेकर के आए दिन कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं वो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अभी आपकी पर्सन का माइंड जो है थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने लगा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे किसी को बिजली का झटका देते हैं ना, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉड ने उनके माइंड को हिला दिया है और अभी थोड़ा थोड़ा जो है सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर आई है, ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे गाइस कि आपके पर्सन जो है करेज जुटा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस हार्ड सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, ये जो परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ आकर के थर्ड पार्टी में, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए वो ये सोच रहे हैं। और उसको बाहर जो है बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन जहाँ पर वो फंसे हुए थर्ड पार्टी में वहाँ पर बहुत ही नेगेटिविटी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए जो ये फ्लावर है इसके आसपास जो है कितनी पॉजिटिविटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब ये पत्थर है ना वहाँ पर देखिए आप कितना ब्लैकिश कलर का है, तो आपके पर्सन उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक फूल की तरह खिलना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे उनको अंडरस्टैंडिंग होने लगी है चीज़ों की। यानी कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग का, कि वो लोगों को देखते हैं कितने खुश नज़र आते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जब बाहर निकलते हैं थर्ड पार्टी से, तो उनको ऐसा लगता है कि सभी, देखिए परिंदे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पक्षी कैसे स्वतंत्र आसमान में उड़ रहे हैं, इसी तरह से आपके पर्सन ऐसा देखते हैं कि मैं इस पिंजरे में फंसा हुआ हूँ और सब लोग कैसे आज़ादी से जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे खुश रहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, समाज में कितना खुश रहते हैं, और मेरी ज़िंदगी ऐसी नरक बना दी है इन लोगों ने। चाहे वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी हो। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जो है एकदम ऐसा जैसे करंट लगता है ना, इस तरह से जब लोगों को देखती है तो उनको उनकी आँखें खुल जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कितनी नरक सी बन गई है, हर दिन नेगेटिविटी से घिरा रहता हूँ और लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे लोग अपने हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा फीलिंग्स आती हैं कि मैं बन चुका हूँ इस सिचुएशन से। यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं इस सिचुएशन से बन चुका हूँ, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। देखिए आपके पर्सन का माइंड रात और दिन यही सोचता रहता है कि पता नहीं कब मुझे छुटकारा मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस। और थर्ड पार्टी की जब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी जो है उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और वो सक्सेस प्राप्त करना चाहती है, आपके पर्सन को कंट्रोल करके और सक्सेस पाना चाहती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कि वो बहुत ज़्यादा जो है खुशी सेलिब्रेट करना चाहती है कि जिस दिन मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी अगेन, क्योंकि पहले तो कंट्रोल में थी, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि सिचुएशन थोड़ी चेंज होने लगी थी, तो उनको ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि जिस दिन मैं इसको ऊपर दोबारा से कंट्रोल पा लूँगा या पा लूँगी, उस दिन मेरी लाइफ जो है सक्सेस हो जाएगी। इसलिए आपके पर्सन के साथ में वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं,
कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे की उंगली पकड़ते हैं ना इस तरह से कि बेटा क्या हो गया है, काटा लग गया है, पानी पीना है, दूध पीना है, वो कहानी और ये यहाँ पे आपके पर्सन को लेकर के कि आगे आगे उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये खा लो वो खा लो, ये कर लो वो कर लो, आराम करो, है ना, कौन कहता है तुम्हें कुछ करने के लिए, तुम रेस्ट करो पूरे दिन। तो इस तरह की आपके पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी जो है बिहेव कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं, आपके पर्सन चाहते तो हैं इससे बाहर निकलना, लेकिन उनको जब ऐसे आगे 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 सेवा मिलती है तो वो क्यों निकलेंगे वहाँ से। गाइज़ ये तो रियलिटी है, ट्रुथ है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, तो वो क्यों निकलना चाहेंगे बाहर। जिसको खाने को अच्छा मिलेगा, पहनने को अच्छा मिलेगा, तो वो क्यों निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक ही पल में उनकी एनर्जी चेंज लगती है, एक ही पल में वो सोचते हैं कि मुझे करेज जुटाना है, यहाँ से बाहर निकलना है, और जब फिर जब उनकी सेवा खातर पानी होती है ना, तब वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो यहीं पे रहना है, मज़े आ रहे हैं मुझे तो, आराम से वहाँ पर जाना है, तो फिर टेंशन हो जाएगी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है उनको एहसास भी होने लगे थर्ड पार्टी को कि ये पर्सन का माइंड सेट चेंज होता रहता है, इसलिए वो आपके पर्सन को समय समय पर डोज देते रहते हैं, मीठी मीठी बातें बताते रहते हैं उनको, और उनको आगे 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 सर्व करना हर चीज़ को। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है कि बेटा टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, तुम्हें किस बात की कमी है, ऐसा वो रोज़ उनको रियलाइज़ करवाती है कि कहीं इनकी माइंड सेट चेंज ना हो जाए और ये यहाँ से बाहर निकल करके और जो है अपने पार्टनर की तरफ ना चला जाए, ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन जब है पास्ट को याद करते हैं तो उनको याद आता है कि हमारी क्या लाइफ थी, जिसमें हारमनी थी, पीस थी, हम कितने खुश रहा करते थे, और आज हमारी लाइफ कैसी हो गई है ना। तो जब उनका माइंडसेट चेंज होता है, जब वो अपने थर्ड पार्टी के साथ बात करते हैं, यानी कि उनकी फैमिली हो सकती है, अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सभी बातें जो है सभी से रेजोनेट नहीं होंगी, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। तो जब वो पास्ट को याद करती हैं, पास्ट की मेमोरी जब उनको याद आती हैं, आपके साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे करेज जुटा करके यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ही पल क्या होता है कि जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करती थर्ड पार्टी और उनको आगे आगे सर्व करती, तो एडवेंचर करने का मन करता है वहाँ पर उनका, और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही बढ़िया है, जो भी है सब सही हो रहा है, और गोइंग विद द फ्लो में वो आगे चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनको जो उनकी थर्ड आई चक्र जो एक्टिवेट होने लगा है, इससे उनको एहसास होने लगा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कि जब उनकी इंट्यूशन पावर उनको बताती है कि ये अब कर्मास तुम्हारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और अभी तुम्हें इस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता चुनना चाहिए, यानी कि अपने पार्टनर की साइड आपको जाना चाहिए, तो आपके पर्सन जो है विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं, और उसी पल जो है जब आपकी यादें आती हैं, आपकी पास्ट की मेमोरीज उनको याद आती हैं, एक साथ बिताए वो हर पल उनको याद आती है, तो वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, और उसी टाइम जो है थर्ड पार्टी को भनक लग जाती है, और थर्ड पार्टी क्या करती है, अपने दाव पे चलाना शुरू कर देती है, अपनी नई ट्रिक चलाना शुरू कर देती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पर्सन का माइंडसेट क्यों चेंज होता है, आपके पर्सन का माइंडसेट इसलिए चेंज होता है कि जब या तो उनकी इंट्यूशन बताती है, या वो समाज में जब बाहर निकलती हैं, जब लोगों को देखती हैं कि वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, तो आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अन्यथा तो उनकी सिचुएशन वैसे की वैसे बनी रहती है, कोई हलचल नहीं होती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जब आपके पर्सन की सिचुएशन वैसे के वैसे बनी रहती है तो खुश रहती है, लेकिन जब आपके पर्सन की सिचुएशन में यानी कि माइंडसेट में थोड़ा चेंजेस दिखता है, तभी वो घबरा जाती है। तो यहाँ पर टेंशन में तो है थर्ड पार्टी भी कि कभी इसका माइंडसेट चेंज हो गया तो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आ सकते हैं आपके पास में, टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए क्या स्टेप लेंगे वो देखेंगे। देखिए मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि डिवाइन टाइमिंग पर ही वहाँ से निकलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेजर अरकाना का कार्ड है वैसे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग किसी के लिए पहले भी आ सकता है, किसी के लिए बाद में भी आ सकता है, टाइम कितना भी लग सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन टाइमिंग एक दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। किसी के पार्टनर 7 मंथ में भी आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
चलिए और एक दो कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि सभी की सिचुएशन अलग अलग है, डिफर करती है, कोई लंबे टाइम से है। यहाँ पर किसी के पार्टनर जो है 7 डेज में भी आ सकते हैं, 7 मंथ भी लग सकते हैं, 7 डेज भी लग सकते हैं। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का है कि किसी का टाइम कभी भी आ सकता है। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं, उसमें क्या निकलता है। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं, उसमें क्या निकलता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। देखिए, हो सकता है कि 2 महीने का टाइम भी लग जाए, सबकी सिचुएशन डिफर करती है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए गाइस। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या स्टेप लेने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या वो आपकी तरफ वापस आएंगे। और हमने ये तो देख ही लिया कि कितने टाइम पीरियड में वो वापस आ सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं, आपके लिए आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। चलिए देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि ओवरऑल एनर्जी जब मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो हॉट टॉक्स हो सकती हैं आप दोनों की, आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या आकर के भी बात कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो सभी पीछे की चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ में करना चाहते, ऐसा उनकी थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है कि ये एक नई बिगिनिंग आपके पर्सन आपके साथ में करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो फिर से आप मुझे तकलीफ दे करके फिर से चले जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स उनसे क्लैरिटी मांगेंगे कि ऐसा अगर आपने फिर से किया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप असमंजस की स्थिति में हैं, आपको क्लियरिटी चाहिए, आपको क्लियरिटी मिल नहीं रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि आप मेरे व्यूवर्स काफ़ी जो है ऐसे द्विधा में हैं कि ये पर्सन आएगा और फिर धोखा दे करके और फिर मेरे को चीटिंग करके मेरा ट्रस्ट तोड़ करके फिर चला जाएगा। इसलिए आप जो है असमंजस की स्थिति में हैं कि ये पर्सन कभी भी सच नहीं बोलता है, ट्रस्ट को तोड़ता है, तो क्या पता फिर दोबारा से आए और फिर ऐसे ही करके चला जाएगा, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आप ऐसी स्थिति में हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो है आप क्लियर कट कम्युनिकेशन उनसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की बात देखूँ तो आपके पर्सन आपसे मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। आपके पर्सन जो है ऐसा दिखाएंगे कि मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा इस रिलेशनशिप में, जो मैंने अभी तक नहीं किया था मैं वो करना चाहता हूँ। यानी कि चाहे वो प्यार में लगा लीजिए, चाहे फाइनेंस को लेकर के लगा लीजिए, तो वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की बात करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आएंगे तो कुछ ना कुछ चिकनी चुपड़ी बातें तो करेंगे। आप ऐसे ही आपको आकर बोल देंगे कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहूँगा तो आप थोड़ी उस बात पर ट्रस्ट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसे बहाने बना के आएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात करेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें जस्टिस दूंगा, कुछ ना कुछ तो चिकनी चुपड़ी बातें बनाएंगे। तो यहाँ पर जस्टिस देने के लिए भी कह रहे हैं कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, है ना, अभी तक जो मैंने जस्टिस नहीं दिया था वो आपको जस्टिस मिलेगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, हमारा जन्म जन्मों का संबंध है, जैसे आम लोग करते हैं अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए। तो वही दिखावा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वही दिखावा करने वाले वो करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे जो है प्यार करता हूँ, मैंने कभी आपको बताया नहीं लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से आपका वेट कर रहा था। लेकिन ये पर्सन सहारा ढूंढेगा, ये पर्सन आपके पास आएगा तो आपके पेंटिकल्स पर इसकी निगाह रहेगी, आप जो कमाते हैं उसके ऊपर इसकी नज़र रहेगी, इसको अपने कमाने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहना चाहता है, इसको सिर्फ सिर्फ ये है कि मुझे सहारा चाहिए, मुझे कोई सहारा दे दीजिए। देखिए आप इसके पैर देख सकते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में है, इसको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। और देखिए आप मेंट्स का सहारा लेकर खड़ा है, तो मतलब इस पर्सन को हमेशा सहारा चाहिए और वो आपके साथ में ऐसा ढूंढना चाहता है कि आपका फाइनेंस भी उसको मिल जाए, आपकी प्यार केयर अटैचमेंट भी उनको मिल जाए, ऐसा वो ढूंढना चाहता है। और वो ऐसी इसी वजह से वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा।
और गाइस वो आपको दिखाएगा कि मैं आपके साथ में बहुत सेलिब्रेट करने वाला हूँ, बहुत खुश रखूँगा, आपको हर चीज़ ला करके दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगा। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से हाथ साफ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में भी उनको सब कुछ मिल जाए और आपकी तरफ से भी उनको सब कुछ मिल जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैजिशियन की पावर इसीलिए है कि मैं दोनों नाव में पावर रख करके चलूँ और दोनों तरफ से प्रॉफिट ले लूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन की चाल। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे, हो सकता है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन शुरू हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली भी आकर के आपसे मिल सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के इरादे तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये पर्सन धोखेबाज है एकदम मैं कह सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंसान को फाइनेंस की इतनी लालच होती है, जो अपने बच्चों को अपनी बीवी को छोड़कर जा सकता है, वो इंसान ट्रस्टेबल तो हो ही नहीं सकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट तो किया ही नहीं जा सकता है। और ये देखिए एम्परर की पावर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी के फादर भी हो सकते हैं जो ये सब चाल चलने के लिए उनको उकसा रहे हैं कि दोनों तरफ तुम बने रहो, ऐसा भी नहीं होगा कि तुम उनकी देखभाल नहीं कर रहे हो और ऐसा भी नहीं होगा कि तुम उनको छोड़ रहे हो, है ना। तो ये उसकी चाल है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उनके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ आपके हो सकते हैं, और ये उनकी चाल है। और बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है ये आपका पर्सन जो है, ये बहुत ही ईगो रखता है, इनकी ईगो जब तक शट डाउन नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये आपके साथ आकर भी खुश रखेंगे आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर से टावर दिखाई दे रहा है कि ये अगर कुछ टाइम के लिए आएंगे भी ना तो फिर से टावर इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब तक इनको इनकी बैक सपोर्ट मिलती रहेगी तब तक ये आपके साथ में ठीक से बिहेव करने वाले नहीं है। तो गाइज़ मैं अगर शुगर कोटिंग बात कहूं, तो मैं यहां पर ये भी कह सकती हूं कि बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन मुझे जो कार्ड बता रहे वही मैं बता रही हूं। तो और आपकी मर्जी है, अगर आपको हर्ट हुआ हो मेरी रीडिंग से तो मैं सॉरी कहती हूँ, लेकिन मुझे तो जो दिखाई दे रहे वही बोल रही हूँ। तो आना तो चाहते हैं लेकिन उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं मुझे, जब तक ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से नहीं जाएगी तब तक इनके इरादे ऐसे ही रहेंगे। तो ये लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते अपनी लाइफ में, आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।